अब सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आप कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन कैसा होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए मैंने वो आपको अपहिल एंड डाउन हिल वाला रिएक्शन बताया कि जब भी रिएक्शन आपकी एक ही डायरेक्शन में जाती है, डाउन हिल रिएक्शन होता है, डाउन टू द ग्रेडियंट काम होता है, तो वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। तो डिफ्यूजन अगर आपको कोई सिंपल डेफिनेशन पूछे तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसीलिए ये आपका कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहां पर आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। अब क्यों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि डिफ्यूजन है जिसे कोई ना कोई चीज फैसिलिटेट करेगी, तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। ये चैनल भी हो सकते हैं, ये आपके कैरियर भी हो सकते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट फ्रीली, क्योंकि ये आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होगा। और यहां पर आपके पोलर और चार्ज्ड दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये आपकी सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। साथ ही साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो आपका सैचुरेबल होता है। इस चीज को याद रखिए, कैसे सैचुरेबल होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप सिंपल डिफ्यूजन जब आप पढ़ रहे थे वो हमारा कैसा प्रोसेस था, वो हमारा अनसेचुरेबल था, लेकिन यहां पर जो है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेचुरेबल होता है। अब ये देखिए, अगर मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं तो ये चैनल के थ्रू हो सकता है, प्लस में ये कैरियर के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर ये चैनल के थ्रू होगा तो वही टनल शेप्ड रहेगा और सीधा ट्रांसपोर्टेशन होगा। कैरियर के थ्रू होगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका जो कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस हैं वो यहां पर मिलेंगे, लेकिन मूवमेंट्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, डाउन हिल प्रोसेस है, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगी। तो चाहे ये चैनल के थ्रू हो, कैरियर के थ्रू हो, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो ये कैसा होगा, हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगी। तो वही जो मैंने आपको समझाया, इसको लैंग्वेज में लिख दिया है कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मोर ग्रेडियंट मोर डिफ्यूजन रेट होगा, सेचुरेशन काइनेटिक्स यहां पर होता है। अब ये सेचुरेशन काइनेटिक्स क्या है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में जब आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर होता है, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहां पर हमें बिल्कुल ओवरव्यू पढ़ लेना है। तो सैचुरेबल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसको जरा एग्जांपल से समझो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर कितने कैरियर हैं, एक कैरियर ये है, ये इसका बाइंडिंग एंड रिलीजिंग फॉर्म है, तो ये दूसरा नहीं है, बस ये उसी कॉन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। ये सेकेंड कैरियर है, ये आपका थर्ड कैरियर है, एंड ये आपका फोर्थ कैरियर है। प्रेजेंट काफी सारे होते हैं, जैसे मानिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर कितने कैरियर प्रेजेंट है, चार कैरियर प्रेजेंट है। हर एक कैरियर एक बार में पांच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाय चांस बाइंड करता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चार कैरियर हैं और यहां पर आउटर साइड कितनी भी, यहां पर 1000 मॉलिक्यूल आप मान लीजिए कि प्रेजेंट है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होना है। अब मान के चलिए 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर 2 ही ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, मैं बस एग्जाम्पल आपको बता रही हूं। तो यहां पर 1000 प्रेजेंट है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब डिफ्यूजन में क्या होगा, हायर टू लोअर, बिल्कुल वही होगा, हायर टू लोअर। लेकिन रिएक्शन यहां कैसी है, सैचुरेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो कैरियर हैं, जब ये चारों कैरियर एक टाइम पे केवल 5 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो केवल एक बार में 20 मॉलिक्यूल्स ही बाइंड हो पाएंगे, क्योंकि चार ही कैरियर है। तो कितना भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहे, लेकिन नंबर ऑफ कैरियर जो है, या फिर जो कैरियर है, लिमिटेड नंबर ऑफ द कैरियर प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जो आपके लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सैचुरेशन काइनेटिक्स। कि मतलब
अगर आप भले 1000, 2000, 3000 कितने भी मॉलिक्यूल्स की बात करें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कितने कैरियर प्रेजेंट है, क्योंकि कैरियर में सीधा टनल शेप्ड तो है नहीं, यहाँ तो पूरा सीरीज चल रहा है, तो एक टाइम में कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होंगे, तो यहाँ पर सैचुरेशन होता है, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर एक सैचुरेशन होता है, एक टाइम में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, या जो प्रोटीन नहीं मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मैक्सिमम पहुंचती है जब सारे कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो आपके ऑक्यूपाइड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, और ये जो है ये क्यों होता है सेचुरेशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ कैरियर। तो अगर आपको केवल इतना समझ में आया है सेचुरेशन के बारे में, तो इस स्लाइड में आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो ये देखिए यहां पर जैसे आप समझिए कि अभी ये कैरियर कैसे है आपके अनऑक्यूपाइड है, यहां पर किसी भी तरीके के कोई लाइगेंड जो है या फिर जो आपके मॉलिक्यूल है वो बाइंड नहीं हुए हैं, तो टोटल कैरियर आपको कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। हर एक कैरियर एक बार में 5 मॉलिक्यूल को केवल बाइंड करेगा, ठीक है, तो 5 नहीं 10 मॉलिक्यूल्स आप मान के चलिए कि ये 10 को बाइंड कर रहा है, ठीक है, एक कैरियर जो है एक टाइम में 10, 5 जितना आपको लेना हो एक नंबर ले लीजिए, तो जैसे 10 मॉलिक्यूल को बाइंड करा तो 5 है, तो एक ही बार में 50 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक सेकंड में 50 मॉलिक्यूल्स जो है वो बंध जाएंगे, वो क्रॉस हो जाएंगे, तो इसीलिए लिखा है ऑल कैरियर विल बी ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, देन आपका कितना 50 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड होगा कुछ इस तरीके से, तो ये पहुंच जाएगा आपके बीमैक्स पे, और यहां पर अगर आप हाफ बीमैक्स की बात करें, मतलब जब केवल 25 मॉलिक्यूल या 25 मॉलिक्यूल्स फाइंड होंगे, दैट इज हाफ बीमैक्स। तो सिंपल सा है, बिल्कुल ओवरव्यू है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्या बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जितने भी कैरियर होंगे अगर वो सबके सब बाउंडेड फॉर्म में है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, दैट इज कॉल्ड बीमैक्स। अगर वो हाफ कैरियर बाउंडेड फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है हाफ बीमैक्स होगा। तो यही चीज जो है वो आपको समझना है। चलिए, सेचुरेशन हो जाएगा तो मूवमेंट नहीं होगा। एक्चुअली आप इसको ऐसे मत समझिए, क्योंकि जो कैरियर या चैनल के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाइंडेड साइड के बेसिस में हो रहा है। ये कैसे होगा ये जरा ये और ग्राफ समझ लो, इससे अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो सेचुरेशन काइनेटिक्स है ये बिल्कुल आपकी माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस की तरह है। जैसे हम कैसे लिखते हैं बी मैक्स और सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन के एम एन एस लिखते हैं, वैसे यहाँ पे लिखा जाता है सेचुरेशन, मतलब ये कैसी आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केसेस में सेचुरेशन काइनेटिक्स में आपका बीमैक्स और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एंड केडी होगा एंड अगेन आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो ये फॉर्मूला आपको जरा याद रखना है। अब ये कैसे जस्टिफाई होगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहां पर आप देखिए जो भी है वो क्या है आपका डिफ्यूजन रेट को बता रहा है, बीमैक्स जो है वो क्या बता रहा है मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट को। डिफ्यूजन रेट मतलब क्या है, एक डिफ्यूजन रेट की मॉलिक्यूल कैसे डिफ्यूज कर रहा है, एक है बीमैक्स मतलब मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट, मतलब एक बार में जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कितने से कितने मॉलिक्यूल को एक ही बार में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैसा कि डायग्राम में बताया था, अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके कितने कैरियर प्रेजेंट है, अगर 5 कैरियर प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे आपके जब बाउंडेड फॉर्म में होंगे तो वो रिएक्शंस आपकी बीमैक्स में पहुंच जाएगी। मैं एक रिएक्शन की बात कर रही हूं, अब वो 4 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेन, फिर बाइंड करेंगे, फिर बाइंड करेंगे, वो बाइंडिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचता। लेकिन जो चैनल प्रोटीन होते हैं उनके सेचुरेशन की, एक रिएक्शन के सेचुरेशन की यहाँ बात हो रही है, आ जाएगा समझ में रुक जाओ, ठीक है। तो सी जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और केडी जो है वो क्या बता रहा है, वो बताता है आपके सेचुरेशन कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो सेचुरेशन कॉन्स्टेंट जो है, केडी आपका सेचुरेशन कॉन्स्टेंट है, और ये क्या बताता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बेसिकली आपको हाफ बीमैक्स पे अचीव होता है, और हाफ बीमैक्स पे ये तब अचीव होता है
जब आपका जो हाफ बीम एक्स पे जो अचीव होता है वो ही आपका क्या कहलाता है, सेचुरेशन कांस्टेंट। अब इसको जरा ग्राफ से समझो तो अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड आपका बीम एक्स, ठीक है। जब आप बीम एक्स पे पहुंचेंगे तब आपका क्या होगा, ये सेचुरेशन लेवल को शो करता है। ये यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम जो है वो ट्रांसपोर्टर। अब देखो इसको एंजाइम काइनेटिक्स की तरफ, या फिर इसको आप ऐसे मत समझिए कि पूरी रिएक्शन को, ये जो मैं सेचुरेशन बता रही हूं ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूं, ये बता रही हूं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कितना ऑक्यूपाइड हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, कि जैसे अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास 5 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और वो 5 के 5 जब बाइंड होंगे तो वो जो रिएक्शन या जो ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो आपकी बीम एक्स पे पहुंच जाती है। जब वो हाफ ऑक्यूपाइड रहेंगे तो आपकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन स्पेशली ट्रांसपोर्ट रेट वो आपकी कितने पे पहुंचेगी, हाफ बीम एक्स पे पहुंचेगी। तो बस इसको इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करिए क्योंकि ये आपकी रिएक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कितने आपके ऑक्यूपाइड हुए हैं उस बेसिस पे सैचुरेशन को बता रहा है। अगर सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्यूपाइड है मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब ये बीम एक्स पे पहुंचेगा। वहीं पर अगर हाफ नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑक्यूपाइड है तो हाफ अभी ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि जो बीम एक्स है वो हाफ होगा। और इसी बीम एक्स पे हमें जो केडी है, जो कॉन्सेंट्रेशन सेचुरेशन कॉन्स्टेंट है, वो हमें अचीव होता है। तो ये जब आप ग्राफ देखेंगे दैट इज आपका सिंपल डिफ्यूजन, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारा सेचुरेशन होता है, क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू। तो अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पूरे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो उतने ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, भले ही 1000 2000 कितने भी मॉलिक्यूल्स रहे। तो ये बात क्या समझ में आई है, ये देखिए इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि जैसे ही आप इस नोट्स को उठाएंगे और पढ़ेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। बस इतना समझ जाओ कि बीम एक्स आपको तब अचीव होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे वो ऑक्यूपाइड होंगे और हाफ ऑक्यूपाइड होंगे, दैट इज हाफ बीम एक्स, और हाफ बीम एक्स पर ही आपका केडी जो है वो आपको अचीव होता है, ठीक है। चलो अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। और केडी जो है बेसिकली क्या है, आपका हाफ ऑफ द बीम एक्स है तो ये एफिनिटी के कैसे आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये लाइन और याद रखिए। क्योंकि केडी हमें कहाँ मिला है, हाफ बीम एक्स पे मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा केडी होगा उतना ही कम एफिनिटी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इससे रिलेटेड ठीक है ग्राफ को बता दें, ग्राफ जो है यहां पर ये जो लाइन है दैट इज स्ट्रेट लाइन, सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन आप समझ गए, कोई सेचुरेशन नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में आपका सेचुरेशन होता है। अब वो सेचुरेशन क्यों होता है, वो सेचुरेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपके प्रोटीन के थ्रू होता है। अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे केवल 5 प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो केवल 5 मॉलिक्यूल का ही एक बार में ट्रांसपोर्टेशन करा पा रहे हैं तो डजंट मैटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना भी ज्यादा हो, एक बार में 5 ही कराएगा। तो 5 कराएगा तो मतलब सेचुरेशन आ गया ना कि एक बार में केवल 5 ही हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा होता तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एक बार में केवल 5 ही हो रहा है तो वो सेचुरेशन आ गया। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर है। तो ये जो है बीमैक्स आप तब बात करेंगे जब सारे के सारे आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो आपके ऑक्यूपाइड होंगे, और हाफ बीमैक्स में हाफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो कैसे होंगे, आपके ऑक्यूपाइड होंगे। प्रीवियस स्लाइड का एक बार डायग्राम समझ लेना, आ जाएगा समझ में। बिल्कुल चैनल भी आपके सेचुरेट होंगे, इसीलिए सेचुरेट होंगे कि चैनल भले ही आपके, जैसे देखिए चैनल भी आपके सेचुरेट होंगे क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर एक ये आपका चैनल है, दूसरा चैनल ये है, तीसरा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही चैनल प्रेजेंट होता है, कई चैनल एक ही टाइप के चैनल, तो जैसे 3 चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मान के चलिए आउटसाइड जो है 1000 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है,
लेकिन एक एक मॉलिक्यूल ही आएगा ना इस तरीके से, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। लेकिन वहीं पर अगर आप सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो उसके पास पूरा ये एरिया है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई चैनल चाहिए नहीं, पूरा ही ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ सेचुरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। अब चाहे आप कैरियर की बात करें, चाहे आप चैनल की बात करें, तो यहाँ सेचुरेशन होता ही होता है कि एक रिएक्शन में कुछ ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे। सिंपल डिफ्यूजन की तरह पूरा का पूरा उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है कि सीधा का सीधा निकल जाओ, क्योंकि ये टनल शेप्ड है। हो सकता है यहाँ से दो या तीन मॉलिक्यूल ही एक साथ निकले, सिंपल डिफ्यूजन की तरह एक साथ 100 मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। ठीक है, फाइनली ठीक है। तो कैरियर मीडिएटेड में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जो ग्लूट होते हैं वो अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ग्लूट कैसे आपके कैरियर है, कैरियर है तो इनमें भी कंफॉर्मेशन चेंजेस होगा। अगर आप ग्लूट की बात करें, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात करें, तो ये 14 ह्यूमन में आइसोफॉर्म प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। ये आपके कैसे 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल, मतलब कि 12 पास मेम्ब्रेन या मल्टी पास प्रोटीन है। इसके साथ इनका जो अमाइनो और कार्बोक्सी टर्मिनल है, जो एन एंड सी साइट है, वो दोनों की दोनों आपकी साइटोसोलिक साइट में प्रेजेंट होता है। यहां पर अगर आप आइसोफॉर्म की बात करें तो उनकी काइनेटिक्स प्रॉपर्टीज सारी चीजें वेरी करती हैं, क्योंकि ये जो आइसोफॉर्म होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी GLUT1, GLUT2, GLUT3, इन सबका टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकी काइनेटिक्स प्रॉपर्टी भी वेरी करती है, इसीलिए ये डिफरेंट टाइप की आइसोफॉर्म के फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो ग्लूट होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं, ऑल टाइम आपके एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सेल सरफेस। इसके साथ में क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं ग्लूकोज का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस मैकेनिज्म के थ्रू, फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म के थ्रू। तो चैनल में हमने कई एग्जाम्पल पढ़े थे, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, आपके मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। वैसे ही जब आप कैरियर की बात करेंगे तो जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं वो आपके कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर जो है वो कहलाते हैं। अब अगर आप क्लासेस की बात करें तो ग्लूट के टोटल 3 क्लासेस हैं, Class 1, Class 2 एंड Class 3। और उस बेसिस पे जितने भी आइसोफॉर्म है, जैसे Class 1 की अगर बात करें तो इसमें GLUT1, 2, 3 एंड 4 को रखा गया है, वहीं पर 5, 7, 9 एंड 11 को Class 2 में रखा है। और वहीं पर अगर आप Class 3 की बात करें तो 6, 8, 10, 12 एंड 13। तो हमें सबका फंक्शन नहीं पढ़ना है, हमें GLUT5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का फंक्शन पढ़ना है। बाकी के जो फंक्शंस हैं वो एक तरीके के स्यूडो फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो जो 5 GLUT ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके फंक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ने हैं। तो GLUT1 में क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये RBC में प्रेजेंट होता है, और इसकी एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू GLUT2। इस चीज को भी जरा आप याद रखिए, मतलब GLUT1 की जो है वो एफिनिटी ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे इसका KD जो आपका कांस्टेंट है, सेचुरेशन कांस्टेंट, वो कम होता है, एफिनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू GLUT2। अब आप GLUT2 की बात करें तो ये लीवर में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगर आप एफिनिटी की बात करें तो एफिनिटी यहाँ इस पे कम होगी, और एफिनिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है KM या KD जो है वो हाई होता है। अगर आप GLUT3 की बात करें तो ये न्यूरॉन और जो प्लेसेंटा होती है वहां पर एक्सप्रेस होता है, इसकी एफिनिटी भी हाई होती है। GLUT4 की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये आपका इंसुलिन रिस्पॉन्सिव है, कि मतलब जैसे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, प्रॉपर सिग्नलिंग होती है, तब जाके आपका जो GLUT4 है वो एक्टिवेट होता है, वो ग्लूकोज का टेक करता है। फिर अगर आप बात करें GLUT5 की तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन और मसल्स, देन एडिपोज टिश्यू जो है उसमें ये एक्सप्रेस होता है, और ये कहाँ पे, ये फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब जब भी आप GLUT1, 2, 3, 4 की बात करें तो ये मोस्टली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जो GLUT5 है वो स्पेसिफाई है फॉर फ्रक्टोज। ठीक है,
तो नहीं, यहाँ पर केडी ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे ग्राफ है जहाँ केएम भी लिख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिमिलर होता है आपके माइकलिन मेंटेन इक्वेशंस के जैसे, तो इसका मतलब वो ही है सेचुरेशन कॉन्स्टेंट। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, इसको मैंने टेबल फॉर्म में भी लिख दिया है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे अगर आप ग्लूट वन की बात करें, तो ये प्लेसेंटा में एक्सप्रेस होता है, प्लस में यहाँ ग्लूट थ्री भी आपका प्लेसेंटा में एक्सप्रेस होता है। तो ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस स्लाइड से कंफ्यूज हो जाओ, इसमें थोड़े और ज्यादा एग्जाम्पल मैंने मेंशन करे हैं। जैसे जो ग्लूट वन है वो आपका आरबीसी में भी एक्सप्रेस होता है, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं कि किस तरीके से कहां पर जो है कौन सा ग्लूट एक्सप्रेस होता है, और इसके फंक्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे ग्लूट वन क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं पर अगर आप ग्लूट टू की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, ये एफिनिटी इसकी कम होती है कंपेयर टू ग्लूट वन, और ये भी आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर अगर आप थ्री की बात करें, तो इसकी एफिनिटी न्यूरॉन सेल्स में जो ग्लूट थ्री प्रेजेंट होता है, इसकी एफिनिटी जो है वो आपकी कैसी होती है, लो हाई एफिनिटी होती है, और ये अगेन आपका ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को ही, या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में होता है। ग्लूट फोर की अगर आप बात करें, तो ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिव होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्पेशली आपकी मसल्स एरिया जो है, स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, वहां एक्सप्रेस होता है। अगेन ये आपका क्या करेगा, ग्लूकोज के ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और जो फ्रक्टोज है आपका, जो आपका ग्लूट फाइव है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हाईली एक्सप्रेस होता है, उसके साथ साथ अदर एरिया में भी एक्सप्रेस होता है, और इसका काम क्या है, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर के लिए। तो जो आपका फाइव है वो बस ऐसा है जो फ्रक्टोज बस के लिए कर रहा है, बाकी के जो आपके ग्लूट हैं वो आपके ग्लूकोज, और वहीं पर अगर आप ग्लूट टू की बात करें, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी लोकेशन क्या है, आइसोफॉर्म कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है, और इनका फंक्शन क्या है। अगेन उसी टेबल को मैंने डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि जैसे आप इमेज देखेंगे तो आप और अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ग्लूट वन आपका ब्लड मतलब आरबीसी हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्रेन में भी होगा, हार्ट में प्रेजेंट होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका जो ग्लूट फोर होता है वो ही बस आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है, बाकी आपके सारे के सारे कैसे हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। एक चीज आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होगा। और अगर आप बात करें एफिनिटी की, तो ग्लूट वन की और ग्लूट थ्री जो है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, ग्लूट टू में केएम ज्यादा होता है, एफिनिटी जो है वो कम होती है। तो इस टेबल के थ्रू भी सारी चीजें जो समराइज आप फॉर्म में कह रहे हैं, तो वो पूरा समराइज फॉर्म में है, तो आप इस टेबल के थ्रू भी इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। अब ये देखिए, जैसे ये ग्राफ स्टैंडर्ड बुक का है, जिसमें केएम लिखा हुआ था, केडी नहीं लिखा था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखी थी। इस ग्राफ में बस इतना है कि अगर जैसे ग्लूट वन की आप बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा आपका भीम एक्स पर है, तो इसका जो केएम है या जो केडी है वो आपका लो होगा इस तरीके से। वहीं पर अगर आप ग्लूट टू की बात करें, तो आप देख रहे हैं ये भीम एक्स तक नहीं पहुंचा, ये हाफ ऑफ द भीम एक्स से भी कम है। तो अगर आप इसका ड्रॉ करेंगे केडी या केएम कॉन्स्टेंट, तो वो कुछ आपके 5 to 6 के बीच में आएगा। तो इसका केएम बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, अगर केएम ज्यादा है तो एफिनिटी कम होगी, और केएम यहाँ पर कम है तो एफिनिटी ज्यादा होगी। इसीलिए जो ग्लूट वन है उसका केएम कम है, एफिनिटी ज्यादा है, जो स्पेशली कहाँ एक्सप्रेस होता है, एरिथ्रोसाइट में। अगर आप ग्लूट टू की बात करें, जो एक्सप्रेस होता है आपकी लीवर सेल्स में, यहाँ पर इसका केएम जो है वो ज्यादा है, तो एफिनिटी जो है फॉर द बाइंडिंग विद ग्लूकोज कम होगी। बिल्कुल ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी लिख दी है मैंने कि भीमैक्स मतलब कि मैक्सिमम डिफ्यूजन रेट, केएम जो है वो डिफाइन करता है एक एफिनिटी को कैरियर की विद मॉलिक्यूल, मतलब कि ग्लूट जो आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उनकी एफिनिटी ग्लूकोज से कितनी, उसको डिनोट करता है।
Km जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी के, मतलब जितना ज्यादा Km होगा उतनी कम जो है आपकी एफिनिटी होगी, बाइंडिंग एफिनिटी। अब देखिए एक चीज और है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही मुझे आपको बतानी है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। 5 बज चुका है, अगर आप 5-10 मिनट का टाइम मुझे दें तो मैं इसको आराम से समझा दूंगी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल से 10 मिनट ही लगेगा, तो आप कहें तो मैं इसको समझा दूं फटाफट। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे डाउट के लिए मुझे मैसेज कर देते हैं पर्सनली, और कई बार क्या होता है ना कि बहुत से क्वेश्चंस उनके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं, तो उनको अगर मैं एक्सप्लेनेशन मैसेज के थ्रू दूँ तो उनको समझ में नहीं आता, तो मेरी कोशिश ये है कि वो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, वो जो क्वेश्चन है जैसे एक कोई क्वेश्चन फ्रैप टेक्निक से था, M1 M2 M3 वाला, जिसमें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी था, तो मैंने सोचा कि उसको जब हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, और भी ऐसे क्वेश्चंस थे तो उसके बाद मैं उनको सॉल्व कराऊंगी, उसके लिए हम प्रॉपर जैसे मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल केस के थ्रू रिजॉल्व कराती हूँ तो वो सारा हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कभी हम टेलीग्राम पे मैं लिख के बता देती हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आता, और मुझे पता है कि वो समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं वो सारा आपको डील कराऊंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। और जो क्वेश्चन अभी पेंडिंग है इसका मतलब ये है वो मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी डील करना सही नहीं था, थोड़ा आप अच्छे से फंक्शन पढ़ लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फिर मैं उनको डील कर दूंगी। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही है, कैरियर के थ्रू। अब कैरियर है मतलब यहाँ पर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन BBM, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो अगर आप सेल्स की बात करें तो ये है आपकी एंटीरोसाइट, ये एंटीरोसाइट्स जो है आपकी गट की सेल्स होती हैं, गट मतलब कि जो इंटेस्टाइनल गट है आपका, तो वो इलियम कोलोन का जो पार्ट होता है वहां पे ये आपका गट का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर सेल है आपकी क्या, एंटीरोसाइट। और ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी तरीके से यहां पर भी कुछ सेल्स होंगी, ये एक साइड का है और आपका पूरा ल्यूमेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या, ल्यूमेन हुआ, उस गट के बीच में जब भी आप किसी गट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो बीचों बीच का डायमीटर है वो ये वाला पार्ट है, जहां से आप खाना खाते हैं पूरा आपका इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक। ये एंटीरोसाइड है, तो ये आपकी जो सर्फेस कहलाती है दैट इज कॉल्ड एपिकल सर्फेस, ये जो आपकी ल्यूमेन साइड पे होती है, और ये कहलाती है आपकी बेसोलेटरल सरफेस, और ये जो आपकी बेसोलेटरल सरफेस है यही आपकी ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट अटैच्ड होता है, इसीलिए इसका नाम है बेसोलेटरल, और ये आपकी ल्यूमेन से अटैच्ड होता है, जो आपका गट एरिया है वहां से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एपिकल सर्फेस। तो यहां पर क्या है कि कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये नाम क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, अच्छा 1 आर के बाद ब्रेक मिलता है, डायरेक्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। देखो पहली चीज तो ये है कि भाई ये CSIR के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप 1 घंटे बाद आपको ब्रेक चाहिए, तो वैसे भी चीजें कवर नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा आदत डालिए ज्यादा पढ़ने की, और ब्रेक चाहिए रहता है तो एक बार कह दिया करिए कि ब्रेक चाहिए, तो 5 मिनट का दे दिया करूंगी ब्रेक। चलो तो आप पहले पोजीशन देख लीजिए कि यहां पर क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये GLUT5 है, GLUT2 है, इस तरीके से आपके ये अरेंज होते हैं। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नाम से पता चल रहा है यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा आपके सोडियम का और आपके ग्लूकोज का, वहीं पर जो GLUT5 है अभी हमने पढ़ा कि यहां पर क्या, फ्रक्टोज जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वहीं पर जब हम GLUT2 की बात करते हैं तो यहां पर अगेन क्या, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो नहीं पढ़ना है क्या। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, इतने नखरे दिखाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है,
और फिर जब आता नहीं है तो फिर आप लोग चिल्लाते हैं ग्रुप में कि हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा ये है कि बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED, एजुकेटिंग WED, एजुकेटिंग इंडिया।